मिशन 2018 फतह करने के लिए कांग्रेस इस बार पूरी तरह से जुट गई है। इसी क्रम में राजधानी भोपाल में शनिवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। देखिए रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में कांग्रेस दफ्तर का नजारा बदला बदला था। यहां कांग्रेस कमेटी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चुनाव लड़ने के दावेदारों ने जमकर उपस्थिति दर्ज कराई और टिकट की चाहत में अपना दम दिखाया। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव और एमपी स्क्रीनिंग कमेटी के मुखिया मधुसूदन मिस्त्री और सदस्य अजय कुमार नीता डिसूजा से मुलाकात करने के लिए टिकट मांगने वालों की भीड़ लग गई। इस दौरान टिकट की चाहत में नेताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई और एक बार फिर कांग्रेस में चुनावी जोश दौड़ता हुआ नजर आया। बैठक में प्रवेश को लेकर भी नेता जद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए। इस बैठक में सबसे ज्यादा दावेदार इंदौर से पहुंचे थे, जिसमें प्रदेश प्रतिनिधि शैलेश गर्ग, पूर्व मंत्री ललित जैन के बेटे अनुरोध जैन, मोहन अग्रवाल, अभिषेक मित्तल, उमेश गढ़कर, सुरेश मालवीय, चंदू कुंजर, सनी पठारे शामिल थे। बैठक में इन नेताओं ने अपनी दावेदारी को लेकर दम दिखाया। कुल मिलाकर कांग्रेस में चुनाव की तारीख नजदीक आते आते एक बार फिर दावेदारों ने प्रदेश कांग्रेस दफ्तर की परिक्रमा करना तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ भोपाल।